नवरात्रि आ गई है, ऐसे में मिठाई बनाना तो बनता है। वैसे भी फास्ट में मीठा खाने से हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नवरात्रि स्पेशल व्रत के पेड़े। स्वाद में ज़बरदस्त, मुंह में डालते ही घुल जाए और सुपर हेल्दी। और इसे बनाने के लिए हमें ना दूध, ना मलाई, ना कंडेंस मिल्क, ना चाशनी और ना ही घी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि इसे बनाने के लिए हमें गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं। बिना गैस जलाए सिर्फ 2 मिनट में नवरात्रि की मिठाई बनाए, तो बनाते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए हर दिन एक नया और मज़ेदार फलाहारी व्यंजन व्रत के लिए, यानी 9 दिन 9 रेसिपीज। इसे देखने के लिए बस हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को करें ऑल, ताकि एक भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। आज की हमारी रेसिपी है नवरात्रि स्पेशल व्रत के पेड़े। तो चलते हैं किचन में। पेड़ा बनाने के लिए एक पैन में हम 200 ग्राम मूंगफली ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर स्टर करते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। मूंगफली से चटकने की आवाज़ आ रही है, यानी मूंगफली रोस्ट हो गई है, तो इसे बहुत ज़्यादा भून कर डार्क नहीं करना। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और जब ये ठंडा हो जाए तो इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। ठंडा होने पर इसका छिलका आसानी से हट जाता है। बिना छिलके वाले रोस्टेड पीनट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप चाहे तो उसे भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हमें ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका लिड लगा कर ग्राइंड कर लेंगे। पीनट ग्राइंड होकर रेडी है, इसे लगातार चलाते हुए ग्राइंड नहीं करना, इसे रुक रुक कर ग्राइंड करें वरना पीनट वायर लीज कर देगा। अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 50 ग्राम पीसी हुई चीनी यानी पाउडर शुगर डालेंगे, आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर 1/4 चम्मच फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 कप मावा। इस मावे को मैंने घर पर ही दूध से तैयार किया है। मावा यानी खोआ डालने से इस मिठाई का टेस्ट डबल हो जाता है। अगर आप मावा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सेम क्वान्टिटी में काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या इन्हें स्किप करके ऐसे भी बनाया जा सकता है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक स्मूथ डो बनाकर रेडी करेंगे। हमारा डो बन के रेडी है, आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक बूंद भी घी का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी मेरे हाथों पे ऑयल है। जो हमने पीनट को गूंथा है उससे ऑयल रिलीज हुआ है, अलग से हमें घी या तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मीडियम साइज़ का बॉल लेकर इसे रोल करेंगे। जिन्हें भी ये डाउट होता है कि इसमें अगर हमने घी या दूध का इस्तेमाल नहीं किया तो ये मिठाई ड्राई बनेगी, बट ऐसा नहीं है, ये मिठाई एकदम माउथ मेल्टिंग बनते हैं। इसे स्मूथ करके हाथ पर प्रेस करेंगे ताकि ये पेड़े के शेप में आ जाए और अपने फिंगर से इसके बीच में प्रेस करेंगे बिल्कुल इस तरह, और ये सिंपल सा पेड़ा का डिजाइन बनकर रेडी है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिश्रण लेकर हाथों पर चिकना करेंगे, आप चाहे तो इसे गोल गोल लड्डू के शेप में भी तैयार कर सकते हैं, बट पेड़े के शेप में ज़्यादा सुंदर दिखती है। सेम प्रोसेस से सारे पेड़े का शेप देकर रेडी करेंगे। हमने सारे पेड़े का शेप दे लिया, आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, बट इसे और टेम्पटिंग बनाने के लिए मैंने कुछ केसर के धागे को दूध में भिगो के रखा था और इसमें अच्छा कलर के लिए फूड कलर भी ऐड किया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे पेड़े के सेंटर वाले पार्ट में किसी टूथपिक या ब्रश के हेल्प से लगाएंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे ताकि ये मार्केट वाले लुक में आ जाए। सेम प्रोसेस से हम सारे पेड़ों को डेकोरेट करके रेडी करेंगे। ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, खाने में उसे कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट है। आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रजनी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और 2 मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी, आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।